हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मियाना। तो आज हम करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर है इसकी हमें रिक्वेस्ट आई थी, तो ये आज हम करने वाले हैं, है ना। क्योंकि जो फोर्थ क्लास से जो आपके जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं और वो आएंगे पूरे आपके ट्वेल्थ तक, ठीक है। बल्कि देखो मैं बता दूं कि लेटर जो होते हैं ना, लेटर राइटिंग, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो होता है ना वो अपने फ्रेंड को भेजते हैं या फिर रिश्तेदारों को, है ना, जिसमें हमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। और जो फॉर्मल होता है उसमें हमें फॉर्मेलिटीज़ दिखा के डालना होता है। वो कहाँ डालते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल पर डाल दिया, ऑफिस पर डाल दिया, मतलब ऐसी जगहों पर डालते हैं जो जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटीज़ दिमानी पड़ती है। ये तो अपने दोस्त यार को भेजो, मज़े करो इनफॉर्मल वाला, ठीक है। तो मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि किसी के जो लाइक लास्ट जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आते हैं, बट अभी से हमें सिखा रहे हैं तो आप बना दो वीडियो, तो अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये किसी पर्सनैलिटी के, मतलब कि किसी एक पर्सन के लाइक पर्सनल चीज़ों में, ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना ये पर्सनल लेटर होता है जो हम लोगों को लिखते हैं, जैसे कि किसी की फैमिली को लिखेंगे, किसी की फ्रेंड को लिखेंगे या किसी के रिलेटिव को लिखेंगे, ठीक है। तो या फिर एक्वेंटेंसेज, मतलब कि रिश्तेदारों को, इन्हीं सबको हम ये लेटर जो होता है ये लिखते हैं। तो चलो एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि देखो आपको ये लेटर दिया जाएगा और आपको बस इसके फॉर्मेट की जगहों पे इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। देखो जो क्वेश्चन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पे इसके फॉर्मेट पे हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी और एक बॉडी, मतलब कि पूरा एक लेटर लिख लिया, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट एक बार देखते हैं ये लेटर राइटिंग का। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर्मेट, और क्या है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर का एड्रेस, मतलब कि आपको अपना एड्रेस लिखना है जो भेज रहा है उसको, मतलब कि आप जो लिख रहा है लेटर ना उसको अपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है। और एड्रेस पूरा लिख देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यूपी, है ना, यूपी में गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद में मतलब इस टाइप से लिखते जाना है, सेक्टर ये वो हाउस नंबर ये वो, है ना, इस टाइप से। अगर मैंने ले लिया राजस्थान का ले लिया, तो कोई भी जगह हो आप वहाँ पे लिखो, ठीक है, अपना एड्रेस लिख दो बेसिक जो आप हर जगह लिखते हो, आपके आई कार्ड में भी लिखा होता है जो एड्रेस, वही एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है डेट, और अगर आ गया एग्ज़ाम हॉल करके तो आपको लिखना है, जैसे फिर आपको यहाँ पे अपना एग्जाम हॉल का एड्रेस लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गई डेट की बात, तो डेट कैसे लिखनी है, ऐसे से लिखनी है दिसंबर 20, फिर ईयर्स लिखना है, मतलब कि अब ये कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मंथ, ठीक है, और मंथ पूरा फुल दिसंबर, ये नहीं कि डी ई सी लिख दिया, नो, हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें इसको पूरा फुल्ली इस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर का पहले हम मंथ लिखेंगे, फिर यहाँ पे डेट जो होगी वो लिखेंगे, ठीक है, फिर ईयर लिखेंगे, ईयर भी पूरा फुल, ऐसे नहीं कि 10 लिख दिया, मंथ में लिख दिया डी ई सी और यहाँ पे डेट पे लिख दी 20, ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसने किसको लिखा है, अब उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या होता है कि आप किसको सैल्यूट कर रहे हो, मतलब कि मैं सैल्यूट, मैंने ऐसे बोला है, बट इसमें क्या मतलब होता है कि डियर, जिसको भी आप लिख रहे हो, है ना। तो फॉर इनफॉर्मल में तो डियर करके लिखते हैं, जैसे कि माय डियर फादर, माय डियर आंट, अगर आप फादर को लिख रहे हो तो माय फिर डियर फिर फादर, है ना, तो पूरा आपको एकदम ऐसे माय डियर लिखना है, फिर जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम, ठीक है। फिर बॉडी, बॉडी से मतलब जो आपका मेन लेटर है जिस पे आपको लिखनी है, जो चीज़ लिखनी है आपको मेन, वो उसकी बॉडी हो गई, ठीक है, पूरी बॉडी में आपको चीज़ें लिखनी है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन, मतलब कि आपको यहाँ पे लिखना होगा योर इफेक्शनली, या फिर तो अगर आपको इसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही तो आप लविंगली लिख लेना, ठीक है, योर लविंगली, क्या योर लविंगली, जो भी आपका नाम है, ठीक है, योर लविंगली, जैसे आपने लिख लिया योर लविंगली ए बी सी डी। और अगर आपके क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया तो आप ए बी सी डी लिख लो या फिर अपना नाम लिख लो, बट प्रेफर मैं करूँगी कि ए बी सी डी लिख लेना, क्योंकि ना अगर आप नाम लिखते हो तो कभी कभी एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है, ठीक है। फिर सेंडर का नेम, जो जिसने आपको मतलब लाइक आप ही अपना ही यहाँ पे नेम लिखोगे या फिर सिग्नेचर कर दोगे, नेम लिखना ज़्यादा बेटर होगा, या फिर अगर नेम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको क्या ए बी सी डी लिख देना है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं, सैंपल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया उसको देख लेते हैं। तो देखो आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को, जो जिससे जिनसे आप परमिशन मांग रहे हो कि आप एजुकेशनल टूर जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा है उसको अटेंड कर लो। मतलब कि आप अपने फादर से परमिशन मांग रहे हो कि पापा मुझे जो एजुकेशनल टूर मतलब कि जो पिकनिक्स होती हैं स्कूल की, मुझे उसमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई वैसे नहीं दिया है हमें स्कूल का नाम, तो आप अपने स्कूल का लिख लेना, या फिर आप लिख लेना ABCD। ठीक है, तो वो अपने टीचर से क्लियर कर लेना कि आपको क्या लिखना है, वरना आप स्कूल में फिर मतलब आपके एग्ज़ाम में फिर गंदे मार्क्स आ सकते हैं, तो इसलिए पूछ लेना। तो यहाँ पे इसने क्या करा, स्कूल का एड्रेस लिख दिया क्योंकि ये स्कूल में है ना, स्कूल में एग्ज़ाम स्कूल में तो लिखोगे आप। तो यहाँ पे इसने स्कूल का नाम लिख दिया है, एड्रेस लिख दिया और दिल्ली लिख दिया, मतलब कि पूरा एड्रेस यहाँ पे इसने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल 7, 2010 करके इसने पूरी फुल डेट लिख दी है। अब यहाँ पे माय डियर फादर इसने लिखा है, मतलब कि इसने इसको फादर को लिखना था ना, ये देखो यहाँ पे अपने फादर को लिखना था अपने, तो इसने यहाँ पे माय डियर फादर करके इसने लिखा है पूरा। अब ये बोल रहा है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है कि मैंने आपको कोई लेटर लिखा है, ठीक है, और मेरे एग्जामिनेशन जो है वो सारे ख़त्म हो गए। मतलब अभी अपने फादर को मना रहा है और बोल रहा है कि माई ऑल एग्जामिनेशन आर ओवर। तो ये जिसका देखो PDF जो है ना वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मतलब एक टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, उस पर जाओगे ना तो वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना। उससे क्या कर सकते हैं, हम क्विज खेल सकते हैं, और उसमें मैं वहाँ पे PDF भी डाल दिया करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमारा स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, और मैंने ना अपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और जो हमारा स्कूल है अब इसी खुशी पे हमें एक एजुकेशनल ट्रिप में ले जा रहा है जो मुंबई में है, और समर वेकेशन की ड्यूरिंग होगी। तो हमारी जो साइंस टीचर है मिस्टर RN खन्ना, जो हमारी साइंस टीचर है, वो भी हमारे साथ चलेंगी, हमें कंपनी करेंगे। ठीक है, और वो हमारे साथ चलेंगे इस टूर पे, हमें वो लेके जाएंगे। ठीक है, और ये जो टूर है ये हमारा मतलब एक मंथ का है, और हम मतलब यहाँ पे जगहें बताएंगे, वहाँ पे घूमने जाएंगे। मुंबई में हमारा प्लान है कि हम 10 दिन के लिए रुकेंगे, मतलब कि है ना, और हम वहाँ पे लाइक एलिफेंट केव एक है उस जगह पे जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया पे घूमेंगे। ठीक है, और फेमस एल्स वर्ल्ड मतलब जगहों पे जाएंगे, और यहाँ पे हम विज़िट करेंगे शिरडी और पुणे भी, जो शिरडी और पुणे वाली जगह है वहाँ पे भी हम घूमने जाएंगे। ठीक है, स्कूल जो है वो हमारे एक्सपेंसेस मतलब कि वो हमारे को कुछ खाने पीने को भी देते रहेंगे, है ना, और खाना वाना हमें ही वो देंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर यही हमें देंगे, हमें बस कुछ फ़ी पे करनी होगी और खाने के लिए। और फादर आप प्लीज़ हम आप बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ यार इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी पे हमें बाहर भेज दीजिए, मतलब इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छे से स्कूल वालों सब कुछ कंडक्ट करा है, तो प्लीज़ मुझे बाहर भेज दीजिए। और मैं मतलब मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, आई वुड नॉट लाइक टू मिस इट, और सिंसियरली होप यू विल अलाउ मी टू ज्वाइन दिस पार्टी। तो प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि मतलब ऐसे ना, देखो सबसे पहले तो आपको मैं एक टिप देती हूँ कि जो पहला पैराग्राफ होगा है ना उसमें आपको अपने बारे में बताना है कि आप कैसे हो। ठीक है, उसके बाद वाले पैराग्राफ में आपको बताना है कि क्या किस पर्पस पे मैंने आपको लिखा है, मतलब कि क्या रीज़न है, ये रीज़न बताया ना इसने कि ये हो रहा है ये हो रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे आज्ञा मांगी है कि मतलब इसने मेन अपना जो उसको चाहिए जो ये चाहता है वो लिखा है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या लिखा है कि मतलब ओकेजन क्या है ना, मतलब क्या फंक्शन है, और इसमें इसने लिख दिया है कि इसको मेन क्या चाहिए अपने फादर से। उसके बाद इसने लिखा है योर अफेक्शनली, आप फिर यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, तो यही है, और यहाँ पे दो एक्सरसाइजेज हैं, तीन एक्सरसाइजेज, इनमें से आप सबको ट्राई कर सकते हो। तो बहुत इजी है ये लेटर राइटिंग, बस आपको क्या करना है इस फॉर्मेट को याद कर लेना, इससे क्या होगा कि आप इसमें कुछ भी फिट करके ईजिली बना सकते हो। तो आप को मतलब समझ आ ही गया होगा, तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्ण।